हैं, आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और, तो जो आज का हमारा वीडियो है गाइस, नार्जो 30A चार्जिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो ये फुल वीडियो कंप्लीट वीडियो है गाइस की, मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ कि मैं कोई भी ये ऐसा वीडियो अधूरा नहीं बनाता कि आप एक वीडियो देख लो और ना समझ में आया तो आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़े। तो मैं वीडियो को लास्ट कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ गाइस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है और क्या सोल्यूशन आप कर सकते हैं। तो नार्जो रियलमी का नार्जो 30A चार्जिंग प्रॉब्लम का आज हम सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप जरूर देखिएगा, नॉलेज वीडियो है अगर आपको पता। पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है, अगर ये प्रॉब्लम है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए गाइस। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं बता दूं आपको, ये देख सकते हैं हमारा ये नार्जो 30A का बोर्ड है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नार्जो 30A बोर्ड है गाइस। तो मैं इसका फुल कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, पूरा कंप्लीट गाइस, कि आप इसमें क्या क्या प्रॉब्लम देख सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं सारा कुछ यहाँ पे इंटरफेस करने वाला हूँ। तो ये हमारा है कनेक्टर है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा मेन कनेक्टर है चार्जिंग का, बीबस का, जैसा कि मैं आपको सारे डिटेल के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये जो दो सप्लाई हमारी जा रही है, डाटा माइनस डाटा प्लस की लाइनें जा रही है आईडी बेसिकली। तो ये कहाँ से क्या आती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है गाइस, वो आपको यहाँ पे इस टीपी पे या यहाँ पे, क्योंकि कनेक्टर लग जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। तो बेसिकली इस टीपी पे आपको यहाँ पे बीबस की लाइन में आपको 5 वोल्ट चाहिए। जैसे आप अगर 5 वोल्ट लगा रहे हो, यहाँ आप लगा रहे हो, तो आपका सब पीसीबी और चार्जिंग कनेक्टर सही है, तब आपको बढ़ना है आगे। तो गाइस आपको आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारी चीजें। ये रेड वाली लाइन हमारी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बीबस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको एक कॉम्पोनेंट, पैलर कॉम्पोनेंट, दो पैलर कॉम्पोनेंट, सारे पैलर कॉम्पोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं बेसिकली। अब जो ये आईसी लगी हुई है, ये यहाँ पे लगी है ओबीपी आईसी लगी हुई है। अब देख सकते हैं 12 बॉल की यहाँ पे ओबीपी आईसी लगी हुई है। तो गाइस आपको मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना है, क्योंकि बोर्ड के इस तरफ और बोर्ड के यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर आपका 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है गाइस, तो आप सीधा वो जो टीपी था, इस टीपी से आप, इस टीपी से गाइस, इस टीपी से उठा करके और यहाँ पे आप 5 वोल्ट जम्पर मार सकते हैं, तो आपका बीबस की लाइन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आ रहा है, तब तो आपको आगे क्या चेक करना है। फिर आपको एक ओबीपी आईसी लगी हुई है, ओवर प्रोटेक्शन आईसी यहाँ पे। तो आईसी के इधर भी गाइस, यहाँ पे भी आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। ये जो आप टीपी देख रहे हो, यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट देख रहे हो, यहाँ पे भी आपका 5 वोल्ट आना चाहिए, मतलब इस दो कॉम्पोनेंट पे भी आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर आपका 5 वोल्ट नहीं आ रहा है गाइस, तो आप कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप चाहो तो ओबीपी आईसी चेंज कर सकते हो, नहीं तो ओबीपी आईसी को बाईपास भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ओबीपी आईसी से आप निकालोगे तो पैड आपको दिखाई देंगे, तो इस पैड से आपको मार देना है जंपर। या तो आप अगर ओबीपी आईसी भी नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप सीधा और सीधा क्या करें, इस कैपेसिटर से गाइस यहाँ पे मार दे जंपर, इस कैपेसिटर से, और यहाँ पे आप मार दे जंपर, तो आपका 5 वोल्ट, क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन के लिए है और कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है गाइस, कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपका यहाँ भी 5 वोल्ट आना चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं। और सीधा ये चार्जिंग आईसी पे जाएगा। तो चार्जिंग आईसी इसका जो लगा हुआ है, वो बीक्यू लगा हुआ है, इस फोन में बीक्यू लगा हुआ है। बीक्यू का मैं आपको सर्किट यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीक्यू लगा हुआ है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका नोज कट पॉइंट है, और इसकी ये बीबस की लाइन है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो बीबस इन। तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट, तो लास्ट फाइनली आपको भी यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये जो कैपेसिटर से है गाइस, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, इसका पॉइंट है, और यहाँ पे इसको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट आप वो जो जम्पर है, उस टेस्ट पॉइंट से, आप इस टेस्ट पॉइंट से आप सीधा और सीधा यहाँ पे भी जंपर मार सकते हैं गाइस, इस कैपेसिटर पे भी जंपर मार सकते हैं, जिससे इस आईसी को, इस बीक्यू को, मैं आपको बता दूं, इस बीक्यू को आपको 5 वोल्ट मिल जाए, 5 वोल्ट्स मिल जाए, जो हमारा इन होता है, पीपल्स का इन होता है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कि जो आईसी है गाइस, जनरली यहाँ पे पूरी सप्लाई के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है इसमें, एसटीएसएल कमांड की लाइन सारे बहुत कुछ मिसिंग है। पर हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो मोटा मोटा हम जो चेक करते हैं, जो बेसिकली मार्केट में काम आता है गाइस, क्योंकि क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाते फोन के ऊपर, फटाफट हमें सोल्यूशन करना होता है, जो कि यहाँ पे समझने को भी हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है।
अब आपको 5 फुट मिल गया गाइस। अगर ये आईसी सही है, कमांड की लाइनें सही है, तो आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि स्लो चार्जिंग का भी मैं सोल्यूशन यहाँ पे दूंगा आपको, स्लो चार्जिंग का भी कि कैसे उसको स्लो चार्जिंग को भी आप उसको फाइंड आउट कर पाए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है, आउटपुट मतलब बीपीएच बनेगा क्योंकि ये डीसी डीसी भी डीसी टू डीसी भी आईसी है, क्योंकि ये बी चार्जिंग आईसी तो है ही है पर सेकेंडरी में ये डीसी टू डीसी आईसी भी है गाइस। तो इसका फिर आउटपुट आपका निकलेगा बीपैट का, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे बीपीएच पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूस्ट कॉइल के थ्रू यहाँ पे बीपीएच पावर यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा बीपीएच पावर। तो ये देखिए आउटपुट, आउटपुट मतलब बीपैट की लाइन पे हमारा जाएगा। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सीरीज में कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, उसके थ्रू यहाँ पे फिर कैपेसिटर्स लगे हैं सारे यहाँ पे, फिर डायोड लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, फिर आपका आउटपुट निकालना चाहिए। अगर गाइस आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है तो सीधा और सीधा आपको पीक्यू को चेंज करना है गाइस। ये पीक्यू आईसी को आपको चेंज करना है बेसिकली जनरली। अगर चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार नहीं बन रहा है तो एक बार अपने बूस्ट कॉइल को भी चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप VQ को, अगर आपको 5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो अपना VQ को सबसे पहले आप चेंज करिए। अब उसके बाद इस ट्रैक को देखना है कि बीबेट तक हमारा 3.7 से 4.2 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सीरीज में कॉम्प्लेंट, फिर ये पहला रो में कॉम्प्लेंट लगाया, फिर ये बीबेट में आपको बता दो यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा बीबेट जा रहा है गाइस। ये देख सकते हैं बीबेट हमारा यहाँ पे जा रहा है, ये बीबेट है और ये बीबेट सीधा बैटरी कनेक्टर पे जाएगा जैसा कि मैं बता दूं। तो चलिए यहाँ पे टीपी बना हुआ है, दो दो टीपी है यहाँ बीबेट के टीपीज है। तो आप यहाँ पे भी सीधा अपना 3.7 से 4.2 वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो ये बीबेट का कनेक्टर हो गया गाइस, यहाँ पे ट्रैक मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज आ जाएगा। तो गाइस सिंपल और सिंपल आप इस पॉइंट से आप यहाँ पे जंपर मार दो, अगर आपका 5 वोल्टेज मिसिंग है तो, और 5 वोल्टेज आ रहा है, तो आप सीधा बीक्यू को चेंज करो गाइस। उसके बाद बीक्यू के साथ साथ आप यहाँ पे बूस्ट कॉइल को भी चेंज कर सकते हैं। फिर अपने ट्रैक को आप चेक कर लो जैसा कि मैंने दिखा दिया, ये कॉम्पोनेंट फिर ये कॉम्पोनेंट, पैलर में सारे कॉम्पोनेंट लगे, सीरीज में एक ही कॉम्पोनेंट लगा है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो बीबैट, अगर आईसी आउटपुट अपना निकाल रही है तो इस सिरे पे हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा तो हम यहाँ पे जंपर मार देंगे, तो बीबैट की ट्रैक हमारी सही हो जाएगी गाइस, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डाटा की लाइन, बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि डाटा प्लस डाटा माइनस ये हमारा सीपीयू से आता है, ये आप जानते हैं आईडी की लाइन है हमारी। ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी सीपीयू से आ रही है गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं बता दूं। तो फिलहाल आज हमारा जो वीडियो था वो वीडियो था चार्जिंग के ऊपर। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि गाइस अगर आपका स्लो चार्जिंग हो रहा है या फेक चार्जिंग हो रहा है या फिर आपका स्टोर नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है। इसके पास मैं आपको बता दूं, क्योंकि डायग्राम होता तो मैं डायग्राम के बेसिस पे आपको मैं बता देता है। यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा सीरीज में, आपको इस एरिया में गाइस, अगर आपका फेक चार्जिंग है या फिर चार्जिंग स्टोर नहीं हो रहा है, तो आपको इस वाले एरिया में, इस वाले पार्ट में गाइस, यहाँ पे आपको सीरीज में कैपेसिटर देखना है और उस कैपेसिटर को चेंज कर देना है गाइस। तो चेंज करने से आपका जो प्रॉब्लम है चार्जिंग नॉट स्टोर का, वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक वीडियो कंप्लीट वीडियो आपने देखा है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो आप 100% चार्जिंग सेक्शन को बना लोगे। और गाइस जैसा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना समझाने की कोशिश करूँ। तो फिलहाल आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और अच्छा लगा तो फिर से बताइएगा। मैं इसके लाइट और ग्राफिक्स के बारे में फुल डिटेल करूंगा कि लाइट और ग्राफिक्स के बारे में क्या क्या सप्लाई होती है, कहाँ से आती है, सारा सप्लाई मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस।